بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم رسول عزيز عليه ما عنتم حريص رسول عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أمن بالله صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى کی بابر کے نام سے ابتدا جو بہت زیادہ مہربان اور جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128-129 کی تلاوت کی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہارے پاس وہ رسول بھیجا ہے کہ جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے جب تمہیں کوئی مشقت آتی ہے جب تمہیں کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت زیادہ گرا گزرتی ہے نہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تکلیف اگر پاکستان میں آئے تو مصطفیٰ مدینے میں تڑپ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بہت زیادہ مومنین پر شفقت کرنے والے ہیں جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں جو بہت زیادہ مہربان ہیں جب کسی کو کوئی تکلیف آئے تو اسے کیا کرنا چاہیے کہہ دینا چاہیے حسبی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے کوئی نہیں عبادت کے لائق سوائے اللہ کے اسی پہ توکل کریں جو رب العرش العظیم ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور جب کوئی مشکل آئے تو ہمیں اللہ پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس وقت
अल्लाह के दरबार में कितने लोग गिलाफ काबा से लिपट कर रो रहे होंगे, कितने लोग अल्लाह की बारगाह में अपनी दुआएं अपनी इल्तिजाएं पेश कर रहे होंगे। अगर हम उस मंज़र को याद करके इस हमदिया कलाम को पेश करें तो मेरी गुजारिश है सब अल्लाह अकबर की सदाओं में मेरे साथ बावाज़ बुलंद शामिल हो जाइए। अल्लाह ताला आज के दिन की बरकत से हम सबको अगला रमज़ान मदीना तय्यबा में और खाने काबा में देखना नसीब फरमाए। कोई भी खामोश न रहे, सब मेरे साथ बावाज़ बुलंद पढ़िएगा कि काबे की रौनक काबे का मंजर खैर जवेरिया। काबे की रौनक काबे का मंजर, ये वो हम्द के अशार हैं। जब काबतुल्ला पर पहली नजर पड़ी और वहां पर तहतुल मस्जिद पढ़कर हमने फिर जो मस्जिद में दाखिल होने के जो नवाफिल हैं उनको अदा किया और उसके बाद तक रहे थे अपनी इन गुनहगार आंखों से कि वाकई जब ये शायर ने अशार तहरीर किए होंगे
तो यही कैफियत होगी, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे भाई इकबाल नक्शबंदी साहब और मेरे भाई रहमानी भाई भी यहाँ मौजूद। जा रहा है रमजान, खत्म हो गया इतना प्यारा महीना, ये मेहमान हमसे जुदा हो रहा है। इस मेहमान का आखिरी मुबारक जुमा इस साल का आज 27वीं शब चली गई, आने से पहले की तैयारी होती। 27वीं शब ताक रातें 27वीं शब चली गई। 27वीं शब इबादत की रात, मांगने की रात, मेरे मुल्क पाकिस्तान बनने की रात, कुरान पाक नाजिल होने की रात, शबे कदर ताक रात, 27वीं शब की रात चली गई। कैसे रमजान गुजर गया इकबाल भाई, कैसे रमजान गुजर गया रहमानी भाई। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, पता नहीं अगर यहां पर खड़ी हूं जैसा कैफियत लग रही है, अल्लाह आप क्या करेंगे, ऐसा लग रहा है आप क्या करेंगे, ऐसे ही महसूस हो रहा है। अब क्या रह गया हमारा काम। रमजान में तो फिर भी एक था, मिलना था, ये रौनकें, आप सब लोगों से मिलने की रौनकें, हम सबके इकट्ठे होने का, चाहने का, एक साथ रहने का, घर से निकल रहे साथ बैठेंगे, वहां जाएंगे, यूं करना है, ये हंगामा, ये किचन, ये बनाना, यूं सेगमेंट्स, सब खत्म। सब इस साल का तैयारी अपना मेहमान करवा कर जा रहा है। कैसा मेहमान है, आने से पहले की तड़प देता है, जाने के बाद आंसू देता है जुदाई के। हाजिर होते हैं सोफे के बाद हमारे साथ रहेगा। इख्तलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज एचडी। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में, पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया, यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम आवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक, अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है, सियासत बैंक अकाउंट की गुलाम क्यों, अवामी सियासत के जमाने क्या हुए, सियासत बराए अवाम या बराए दौलत, हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में।
देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं, तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है, लेकिन हम तलखी से नहीं मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायत खून चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं, वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है? जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया, कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
इख्तलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जिन लोगों ने अभी हमारी ट्रांसमिशन को ज्वाइन किया है, आप देख रहे हैं रमजान इश्क है, रमजान की खुसूसी नशरियात इफ्तार ट्रांसमिशन 24 न्यूज HD पर बराहे रास्त। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों का प्यार और बहुत से लोगों की शफकत हमेशा रही। रब ताला का बहुत करम है कि आप सब लोगों ने भी हमेशा अपनी दुआओं और मोहब्बतों में हमें याद रखा। मैं सिर्फ आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और साथ साथ इस बात को याद दिलाना चाहूँगी कि आप सब लोगों ने हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। मेरे बहुत ही मोहतरम, मेरे बहुत ही अपने प्यारे भाई यहाँ तीन मौजूद, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी सेहत अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लामा ज़ामिन अब्बास साहब, इकबाल नक्शबंदी साहब और रहमानी भाई, आप तीनों को अस्सलामु अलैकुम। जुमे की मुबारकबाद, जुमतुल विदा की मुबारकबाद, 27वीं शब की मुबारकबाद, पाकिस्तान बनने की मुबारकबाद, कुरान पाक नाजिल होने की मुबारकबाद। लेकिन आप लोगों से दूर और इस रमज़ान के जाने का गम, आप सब लोगों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। अल्लाह पाक ऐसे ही हमें, पता नहीं ऐसे अमाल तो नहीं है मेरे, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं रब ताला, जो हम कल रात को दुआ कर रहे थे, कल के रात की कैफियत कुछ और थी, हर एक को मैसेजेस कर रहे थे कि दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हालांकि ताकरात तो 21 को भी थी, ताकरात 23 को भी थी, 25 को भी थी, 27 का हम बचपन से इतना ज़्यादा जिक्र करते और सुनते आए हैं कि हमें रात को, पता नहीं मैं अभी रास्ते में सोच रही थी, पता नहीं किस किस ने दुआओं में याद रखा होगा, पता नहीं किस किस ने नाम लेकर दुआ की होगी। सबसे पहले मैं कहूँगी कि कल रात की इबादत, कल रात की अहमियत और जुमतुल विदा और रमज़ान जाने का गम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इकबाल भाई आपसे शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फौज बिल्लाह समीउन अलीम मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरु मिन अल्फ शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। सदकल्लाहुल अज़ीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, वअला आलिका व असहाबिका व अहलि बैतिका व इतरतिका या नूर अल्लाह। देखिए शब कदर एक इबादत है, जैसे रोज़ा इबादत है, एतकाफ इबादत है, नमाज इबादत है, ज़कात इबादत है, इसीलिए अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम को एक खूबसूरत रात दी है जो बनी इसराइल के 80-100 साल की इबादतों रियासतों पर गालिब आ रही है, ये शबे कदर। तो इसलिए अल्लाह ने इसको मख्फी रखा है हुजूर की उम्मत के लिए कि हुजूर की उम्मत ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हबीब की उम्मत जागें, बंदे और बंदियां, मर्द और जन जागें, इसका लुत्फ़ हासिल करें, इनकी बख्शिश हो जाए, इनको तकवा नसीब हो जाए, इन्हें तज़किया नफ्स इनका हो जाए। तो लिहाजा मख्फी इस रात को रखा गया है और हुक्म यही हुआ कि 21 को ताक रातों में ढूंढो। अल्लाह को ताक का अदद बहुत पसंद है, महबूब है, इसलिए वो फरमाता है कि थोड़ी सी मुशक्क़त कर लो, रात को जागो, मगर अपने हबीब के लिए फरमाता है कि या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इन्क़ुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरान तरतीला। ए मुज़म्मिल की चादर ओढ़ने वाले, कम्बल ओढ़ने वाले, मेरे प्यारे रसूल आप पूरी पूरी रात जागते हैं, मुबारक पाँव पे वरम आ जाता है, आप रात के दो हिस्से कर लिया करें, आधा हिस्सा आप जागें, आधा हिस्सा आप सोएं, आपका सोना भी जागने के बराबर है। मुस्तफ़ा करीम आपकी आंखें सोती हैं और आपका दिल जागता है। अम्मा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات جاگا کرتے تھے, شب بیداری ہوتی, گریہ زاری ہوتی, امت کی مغفرت کے لیے دعائیں ہوتی. تو میں نے ایک بار عرض کیا, یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ تو بخشے ہوئے ہیں, آپ اتنی گریہ زاری کیوں فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, کیا عائشہ تو یہ نہیں سمجھتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میں بخشا ہوا ہوں, میں نبی ہوں. نبی معصوم ہوتے ہیں, نبی ایک لمحے کے لیے بھی گناہگار نہیں ہوتے, مگر میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب امام الانبیاء معصوم ہو کر امت کی خاطر جاگ رہے ہیں, ہمیں چاہیے ہم لوگ اپنے نبی کی محبت میں آ کے شب قدر کو جاگیں اور شب قدر کو تلاش کریں. سمن بھائی, آج آپ لوگوں کا مجھے ظاہر ہے ساری رات جاگ کر گزری, عبادت میں گزری, پورے رمضان ہی ایسے ہوتا ہے الحمدللہ. آج کی رات, آج کی عبادت, اور آپ نے ہم لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کہ نہیں؟ بسم اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ, اما بعد. سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ماہ رمضان کا الوداع ہے, اور جمعہ اور الوداع جمعہ, اللہ تمام عالم اسلام کو اس جمعے کو پانے کی دعا کے ساتھ, اور بالخصوص آج کا یہ جمعہ جو ہے عالمی سطح پر قبلہ اول کی آزادی کے طور پر بھی منایا جاتا ہے, قدس کی آزادی کے طور پہ. آج دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان عالم موجود ہیں, وہ اپنے اپنے انداز میں بیت المقدس کی قبلہ اول کی آزادی کے لیے, قبلہ اول کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں. اسی طرح سے ظاہر ہے کہ ہم یہاں رہتے ہوئے ہم بھی اس احتجاج میں شامل ہیں کہ پروردگار عالم جلد اپنے قبلہ اول کو آل یہود سے نجات عطا فرما, پروردگار عالم, اور عبادتوں کو عام مسلمانوں کے لیے آسان فرما دے ان شاء اللہ. دیکھیے ظاہر ہے کہ گزشتہ سب اتفاقاً یہیں پر ہماری گزری ہے, اور تذکرے بھی ہوتے رہے اور دعائیں بھی ہوتی رہیں. شب قدر میں جو تاثیر ہے اور شب قدر کی جو اہمیت ہے, تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے جس کے راز کو مخفی رکھا ہے. ایک ہے موت کا وقت, بے شک, کہ کس کی موت کب آنی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم, یہ اس کو مخفی رکھا. بے شک. ایک ہے حروف مقطعات جو قرآن کریم میں ہیں, حروف مقطعات الف لام میم حم عین سین قاف, اس کے معنی مفہوم کیا ہیں کسی کو نہیں معلوم, مخفی رکھا اس کے راز کو. اور تیسری چیز ہے شب قدر. یہ تین چیزوں کو اللہ نے اپنے بندوں سے مخفی رکھا ہے, ان تین چیزوں کو ان کا راز رکھا ہے. ماں سوائے اب یہ سوچا جائے کہ سب سے مخفی رکھا ہے بندوں میں سے, نہیں, اپنے حبیب کو اللہ نے اس کا علم دیا ہے مگر اجازت نہیں دی بتانے کی. اللہ حبیب خدا کو سب معلوم ہے کہ شبوں میں کون سی شب شب قدر ہے, کس کا موت کا وقت کب آنے والا ہے, لیکن حکم الہی جس نے یہ علم دیا ہے اسی نے پابندی لگا دی, میرے حبیب میری اذن کے بغیر بتانا نہیں, اس کے اس راز کا پردہ مت اٹھانا. اگر تینوں چیزوں کو دیکھیں, ہم ڈھونڈتے ہیں نا کہ اس میں اعظم کیا ہے, سورہ حمد ہے اس میں اعظم, سورہ یاسین ہے اس میں اعظم, اللہ کا ہر اس میں اعظم ہے. کہا جاتا ہے کہ حرف مقطعات بھی اس میں اعظم میں سے ہیں, اس کے پیچھے کیا تفصیلات ہیں یہ اللہ جانتا ہے, اللہ کا حبیب جانتا ہے, یہ حبیب کی اولاد میں سے وہ حصے جانتے ہیں جن کو اللہ نے حبیب خدا کے ان اولاد کو اختیار دیا ہوا, لیکن اجازت نہیں ہے اس کا راز ظاہر کرنے کی. وجہ کیا ہے موت کا وقت مخفی کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ اگر ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت میری موت ہونی ہے تو موت سے پہلے مر جاتا وہ, true. اسی خوف میں مر جاتا وہ, ٹھیک ہے, اور اس کی عبادت میں خلوص نہ, اس کی عبادت میں وہ خلوص نہ ہوتا. بے شک. اسی طرح سے حروف مقطعات کے علم کو محدود رکھا, اور اس میں اعظم کو تو مخفی رکھا ہی ہے, اس لیے کہ اگر اس میں اعظم کو ہر ایک کو بتا دیا جاتا تو نہیں معلوم بے معرفت لوگ اس کو غلط استعمال کر دیتے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے شب قدر ہے, اس شب قدر کو مخفی رکھا ہے, حبیب خدا کو سب معلوم ہے کہ ان شبوں میں سے کون سی شب ہے, لیکن اللہ کی اجازت نہیں تھی, مخفی رکھا ہے,
ताकि कोई भी शख्स किसी मुल्क का रहने वाला मोहताज ना रह जाए कि मेरी शब गुजर गई, मुझे ये सआदत नसीब ना हुई। जज़ाकअल्लाह खैर। अल्लाह के खौफ से गिरने वाला आंसू बेशक छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसमें इतनी ताकत होती है कि समंदर के बराबर गुनाह मिटा देता है। फ़कत नीयत, सिर्फ और सिर्फ दिल से रब ताला के हुजूर सर झुकाकर मांगने की और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की। रब ताला तू मुझसे राज़ी रहे। सकफे के बाद हाजिर होते हैं उलमाए कराम के साथ। हमारा सेगमेंट अभी जारी है। शबे कदर के बाद मैं बहुत अहम सवाल करूंगी अपने उलमाए कराम से, जो मेरे यहाँ भाई तशरीफ़ फरमा है। सवाल ये होगा कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीना खुश्क होने से पहले देने का हुक्म क्यों है? हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। इख्तलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज एस्टी। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम आवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं, तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है, लेकिन हम तलखी से नहीं मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। अहम खबर से आपको आगाह करें, कोयटा में धमाके से थोड़ी देर पहले की CCTV फुटेज न्यूज ने हासिल कर ली है। CCTV फुटेज में धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुजीबुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीबुल्ला बताइएगा क्या क्या इंकशाफात हुए हैं इस फुटेज में? जी बिल्कुल, फुटेज में वो जो धमाके में इस्तेमाल होने वाली जो टूटी गाड़ी थी सफेद कलर की, वो वाज़ह तौर पर
देखी जा सकती है। एनी शाहिदीन से जब हमने स्पॉट पर बात की और पुलिस जराये से स्पॉट पर बात की तो उन्होंने ये कहा कि जब इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई तो इसने यहाँ वहां टक्कर मारे। इस फुटेज में वाजे तौर पर देखा जा सकता है कि गाड़ी का जो अगला बम्पर है वो टूट फूट का शिकार हुआ है और पुलिस एहलकार उस गाड़ी को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब इब्तदाई तौर पर यही सीसीटीवी फुटेज हमारे साथ शेयर की गई है जिसमें वो गाड़ी को पुलिस वाले रोक रहे हैं और सफेद गाड़ी की कलर की एक गाड़ी है, टूटी गाड़ी है, जिसका ये भी इंकशाफ हुआ कि कराची की रजिस्टर्ड है और कराची के एक रिहायशी के नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। जो शुक्रिया मुजीबुल्ला। 24 न्यूज इख्तलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूं इख्तलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज एचटी। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में, पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया, यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम आवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं, यस। अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, आप हमारी रमजान ट्रांसमिशन देख रहे हैं 24 न्यूज HD पर बराहे रास्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी होती है कि मुसलमान उस घड़ी में अल्लाह ताला से जो भी भलाई मांगेगा अल्लाह ताला उसे अता फरमाएंगे, और वो घड़ी बहुत थोड़ी देर के लिए होती है। इस जुमे की बरकतों के साथ, दुआओं के साथ, इस नियत के साथ ऐसी नशिस्त रखी है, ऐसी महफिल रखी है, ऐसी मजलिस रखी है जिसमें जिक्र इलाही हो, क्या पता अल्लाह पाक हमारी दुआओं को जिक्र के ही सदके कबूल कर ले, वसीला बन जाए वो महफिल। तो आइए ऐसी महफिल को और कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि आज जुमतुल विदा है, रमज़ान आपसे मुझसे हम सब से जुदा हो रहा है, पूरी दुनिया में आज जुमतुल विदा मनाया जा रहा है। जैसे कि जामिन भाई ने इरशाद फरमाया, हमारे साथ एक पेशेंट यहाँ मौजूद हैं जिनका नाम है एजाज अली, इनके वालिद हैं मंथार अली। इस बच्चे को
बोन कैंसर है और इसके वालिद साहब जो हैं इसके इलाज के लिए यहाँ पर आज आए हैं। आपके स्क्रीन्स पर नंबर आएगा इनका, आप दिल खोल कर अपने अतियात भेजिए। नहीं बेटा ठीक है, अभी बात नहीं कर रही, अभी मुझे उलमा इकराम से बात करनी शबे कदर के हवाले से। मैंने इसलिए ये जिक्र किया कि आप इनको दिल खोल कर अपने एहतियात भेज सकते हैं, आप ये इन्हीं का नंबर है, आप इन्हीं को कॉल कर डिटेल्स हासिल कर सकते हैं और इनकी मदद हासिल कर सकते हैं ताकि अपने बेटे का इलाज करवा सकें। शबे कदर कल रात आपने, रहमानी भाई आपसे वापस सवाल, सबसे मैंने अलग सवाल किया, आप बताइए कि आपने हमें इतनी बड़ी रात में याद रखा, क्योंकि ये बड़ी रात कितनी बड़ी रात है। अहमद व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब आज जुम्मतुल वदा की आती है और 27वीं शब की आती है, क्योंकि हम जो हाफिज़ होते हैं ना, हम हाफिज़ों की तो रात ही ये होती है, हम हाफिज़ों का महीना ही होता है जिसमें पूरा दिन पूरी रात हम कुरान मजीद फरकान हमीद पढ़ते हैं। जब ये जा रहा होता है ना तो एक दिल ऐसा हो जाता है कि किसी ने नचोड़ दिया हो दिल। और ये वो रात शबे कदर, कदर का एक माना तंगी का भी है। इस रात में आसमान से ज़मीन में इतने फरिश्ते उतरते हैं कि ज़मीन तंग हो जाती है, इसका एक माना ये भी है। और फिर कुरान मजीद फरकान हमीद के तनज़्ज़ुल मलाइका, सिर्फ 7 फरिश्ते उतरे थे, सिर्फ 7 आसमान से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग लगाई थी, ओनली 7 मलाइका ज़मीन में उतरते हैं, उनकी बरकत से आतिशे जो आग थी, नमरूद थी, वो ठंडी हो गई, गुलो गुलजार हो गई। सिर्फ 7 फरिश्ते उतरे तो ये काम हो गया। आज की जो रात जो कल गुजरी है, आसमान से 70,000 फरिश्ते उतरे हैं, जिब्राइल और मीकाईल को लेके उतरे हैं। एक अजीब समा है, उम्मते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है, रुकू में है, कयाम में है, तस्बीह में है, तहलील में है, मस्जिद में है, घर में है, हर जगह बैठकर अल्लाह का जिक्र हो रहा है। जो अल्लाह का जिक्र कर रहा है, फरिश्ते उसे सीने से लगा रहे हैं, ऐ बंदे तू खुश नसीब है, तुझे अल्लाह का सलाम है, सलाम उन्हीं हत्ता जब तक फजर नहीं होती, रब्बे ज़ुलजलाल तुझ पर सलाम भेज रहा है, सलामती भेज रही है, तू जहन्नुम से आजाद हो चुका है, तुझे रब्बे ज़ुलजलाल ने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। ये एक ऐसा मामला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से, पहले बनी इसराइल के लोग 1,000 साल तक इबादत करते, 1,000 महीने इबादत करते थे, नहीं मालूम कबूल हो ना कबूल हो, मगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को, कुरान कहता है कद नरा तकल्लुबा वजहका मुस्तफा, तेरे चेहरे को जो तू देख रहा है, अल्लाह सुबहानहू व तआला को जो मेरे मुस्तफा देख रहे हैं, कुरान कहता है कद नरा, हम चेहरा देखते हैं और देखते रहेंगे, उस चेहरे के सदके में अल्लाह ने ऐसी रात अता फरमा दी, जो सजदे में है तो 1,000 महीने सजदे में है, जो रुकू में है 1,000 महीने रुकू में है, जो तहलील में है 1,000 महीने तहलील में है, जो तस्बीह में है वो 1,000 महीने तस्बीह में, ऐसी रात अल्लाह सुबहानहू व तआला ने रात। और कल की रात शब-ए-जुम्मा वो जिसमें जो कोई दुरूद पढ़े तो आका खुद सुनते हैं, सुभान अल्लाह, 27वीं शब के आसमान से फरिश्ते उतरते हैं, सुभान अल्लाह, वो रात कयाम पाकिस्तान जो अल्लाह सुभान व तआला की बड़ी नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। एक बहन, एक बात और भी कर दूं, अगर मेरे बुजुर्ग इकबाल नक़वी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पाक अलग, सिस्तान अलग, पाक का मतलब बनता है लुगतुल अरबिया तैबा, सिस्तान का सिटी अल मदीनतु तैयबा, पाकिस्तान का मतलब है अल मदीना तो तैयबा, और वो है जहाँ रसूल रहते हैं, वो है मदीना तैयबा, वो मदीना है तैयबा है, ये अल मदीना तैयबा है, वहाँ सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं और यहाँ सहाबा के चाहने वाले हैं, सिद्दीक अकबर हैं, उमर फारूक हैं, इमाम हसन हैं, आज यहाँ उनके चाहने वाले हैं। उसी तरह जोश व खरोश से मेरा तो दिल ये है कि जब फरिश्ते आएंगे दरबार मुस्तफ़ा में जाएंगे, सिद्दीक भी होंगे, उमर भी होंगे, फरिश्ते जाके पूछेंगे कहाँ से आए हो, तो कहेंगे जिस तरह आप जिंदगी भर सरकार का नाम लेते थे अल मदीनतु तैयबा, जिसे उर्फ़े आम में पाकिस्तान कहते हैं, वहां से भी हम आए तो या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही है। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह खैर, जज़ाक अल्लाह खैर रहमानी भाई, सुभान अल्लाह, क्या मंजर आपने खींचा है। पाकिस्तान, वाकई फख्र है मुझे कि मेरे मुल्क में मेरे इतने अच्छे लोग रहने वाले जिनसे मैं इतना कुछ सीख सकती हूँ। मैं इल्म की तालिब इस वफ़े के बाद हाजिर होती हूँ इस सवाल के साथ कि क्यों कहा जाता है
क्यों सुना है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे देनी चाहिए। क्या अहमियत है इसकी, क्या है भी कि नहीं? सफे के बाद हाजिर होते हैं। इख्तलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती है बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम आवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है, लेकिन हम तलखी से नहीं मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायत खून चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं, वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गईं। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निजाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने का?
कोयटा में खुदकुश धमाके का एक और जख्मी चल बसा। शहादतों की तादाद 13 हो गई, 25 जख्मी। धमाके में 75 किलो से जायद बारूदी मवाद, नट बोल्ट और बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल, इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। धमाके से पहले सफेद रंग की गाड़ी को एहलकार रोकते रहे, सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आला बलोचिस्तान सनाउल्ला ज़हरी से टेलीफोनिक राबता, धमाके में शहादतों पर अफसोस का इजहार। सेनेटर रहमान मलिक जीआईटी में पेश, बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं, कहते हैं अहम दस्तावेजात लाया हूं, तहकीकाती कमेटी को मुतमईन करके ही वापस आऊंगा, हॉकी का खिलाड़ी हूं, गोल करके ही आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में निहाल हाशमी का तहरीरी जवाब मुस्तरद, जीआईटी और जजेस को धमकियां देने पर 10 जुलाई को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। मुल्क भर में जुमातुल विदा के अजीम शान इज्तिमा रूप पर वर मनाजर, पाकिस्तान की सलामती और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं। यौमुल कुद्स पर कराची, सक्कर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में फलस्तीनियों के हक में रैलियां, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। और स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में शर्जील खान को गवाह बनाने की पीसीबी की एक और दरख्वास्त मुस्तरद, ट्राइब्यूनल ने साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद को 6 जुलाई को तलब कर लिया। इख्तलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूं इख्तलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज एचटी। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में, पेश होती है बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया, यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम आवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज एचडी पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं, तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है, लेकिन हम
तलखी से नहीं मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट एट में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा एट एट जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायत खून चुका कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुबा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं, वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गईं। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्ज़ा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्ज़ा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है? जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको हमारी टीम रमजान इश्क है और 24 न्यूज HD की पूरी टीम की तरफ से जुमतुल वदा बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों की इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए। हम बराह रास्त इस आपके साथ हैं। आपको भेजाने से पहले हमने शब कदर 27वीं शब के हवाले से मैंने अपने उलमा इकराम से सवाल किया कि ये रात इतनी ख़ास हम क्यों भूल जाते हैं, क्यों नहीं तलाश करते, क्यों इस बात को हमें बहुत ज़ोर से इसकी रियलाइजेशन नहीं होती कि हमें नहीं पता कि तुलुए आफ्ताब तक ये सलामती वाली रात है। तो घर में भी माशाल्लाह मियाँ भाई सब लोग माशाल्लाह मस्जिद में जा रहे हैं, सारी रात इबादत कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो घर में चाहे नमाज लगा लगा के नमाजें पढ़ रहे हैं, नफाफिल अदा कर रहे हैं। ये रौनकें ही हैं रमज़ान की, यही तो रौनकें हैं। बेसन से जुड़ी हुई तमाम अशिया, तमाम डिशेस पूरे रमज़ान पूरे साल आपको याद नहीं आएंगे, लेकिन रमज़ान में अगर बेसन ना हो तो आपको लगेगा है रमज़ान तो रमज़ान लगा ही नहीं। यही तो रौनकें हैं रमज़ान की। मिलना अफ्तार पार्टी कभी किसी पूरे साल में करते हैं अफ्तार पार्टी? नहीं, क्योंकि रोज़े तो दूसरे भी रखते हैं, नफली रोज़े भी होते हैं, लेकिन अफ्तार पार्टी का जो सबसे मिलने का, एक दस्तरखान पर बैठने का, दुआ करने का, साथ खाना खाने का जो शुक्र है, जो लुत्फ है, वो रमज़ान में आता है। ये रौनक है रमज़ान की। और सबसे ज़्यादा मेरे लिए ये ट्रांसमिशन, चाहे वो किसी भी इदारे से हो, ये रमज़ान की ट्रांसमिशन अगर रमज़ान में ना हो
तो मुझे नहीं लगता कि रमज़ान आया है, क्योंकि मुझे मेरे बड़ों से और मेरे उलमा कराम से, मेरे भाइयों से मिलने का मौका मिलता है। जज़ाकल्लाह खैर। ज़िंदगी बख़ैर मुलाकात तो अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर होगी। आप लोगों से एक सवाल करती हूँ, सामन भाई, इकबाल भाई, रहमानी भाई, ये सुना है मेरी, मैं जरा मैं इसलाह कीजिएगा कि मैंने सही सुना है कि नहीं, कि मज़दूर की मज़दूरी उसकी पसीना सूखने से पहले उसको दे देनी चाहिए। इकबाल भाई पहले आप, फिर जामिन भाई और फिर रहमानी भाई। जी मैं यहाँ पे एक माया बीबी हदीस कोट करूँगा। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाई रहमानी साहब का, खूबसूरत तफसीर रहमानी बयान फरमा रहे थे, बाकी अच्छी गुफ्तगू हो गई, जहन भी इस तरफ आ गए। तो ये जो आप ताक रातों का शब कदर की बातें करें, ये भी खूबसूरत है। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस पे इस्तकामत अता करे, जो हमने रमज़ान के रोज़े रखे हैं, एतकाफ़ में बैठे हैं, ख़त्म कुरान किए हैं, शब्बेदारियाँ की हैं, हमारी मस्जिदें आबाद हुई हैं, हमारे घर आबाद हुए, ऐसा मेहमान आया है कोई और दुनिया का मेहमान आए तो इंसान उगता जाता है, थक जाता है कि उसके कहते जल्दी जाए। ये ऐसा अल्लाह का मेहमान, सखी मेहमान आया है, ये हमसे कुछ लेने नहीं आया, ये हमें देने आया है। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि ये तकवा देने आया है, मुत्तकी परहेजगार बनाने आया है। तो मैं ये समझता हूँ जो आपका सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलका से वो हबीबुल्ला, कसम करने वाला, काम करने वाला, अल्लाह का दोस्त है, वो अल्लाह को बहुत प्यारा है। हम जब तारीख का मुताला करते हैं तो जितने अंबियाए किराम गुजरे हैं उन्होंने बकरियां चराई हैं, मजदूरी की है। तो ये हमारे आका और मौला सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को जब हम देखते हैं तो हुजूर मक्के मदीने में हमें मजदूरी करते हुए नजर आते हैं और पैगाम ये दे रहे हैं कि मजदूरी करने वालों, मेहनत करने वालों, कभी ये ना सोचना कि हम मेहनत कर रहे हैं पसीना बह रहा है, आओ मेरी जिंदगी को देखो, मेरे उसवा हसना को देखो, तुम्हारा पैगम्बर खुद ईंटें उठा के लगा रहा है, जरा इस चीज को देखो। हुक्म ये दिया गया है शरीयत के अंदर कि रिज़्क हलाल कमाओ, रिज़्क हलाल कमाने वाले की शबे कदर में दुआ कबूल होती है, हराम माल कमाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती, माँ बाप को सताने वाले की दुआ कबूल नहीं होती, शब्बेदारी कबूल नहीं होती। तो यही हुक्म है कि तुम रिज़्क हलाल कमाओ। वो जो मैं आपको अर्ज कर रहा था, हदीस कोट करना चाहता हूँ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक की गलियों से गुजर रहे हैं, एक साहब आए तो उसके हाथों पे छाले थे, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ मिलाया और हुजूर के हाथों को बोसे दिए। जह नसीब, कितना खुश नसीब इंसान के आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को बोसा दे रहा है। मेरा ईमान ये कहता है कि रसूल के हाथों को बोसा हो जाए तो उस शख्स पर जन्नत दोजख की आग जो है हराम हो जाती है, तो वो बोसे दे रहा है तो हाथों पे छाले। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने पूछा ये क्या हुआ है, क्यों छाले? तो अर्ज करते या रसूलल्लाह मैं मुशक्कत वाली मजदूरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मैं पत्थर उठा उठा के रखता हूँ इतना। तो हुजूर ने उनके हाथों को दबाया और पकड़ा, देखा गौर से, फिर फरमाया कि अल्लाह इन हाथों को जहन्नम में नहीं जलाएगा। तो ईमान ये कहता है कि हाथ बच गए और जो आँख से आंसू बहते हैं अल्लाह के खौफ से, ये बच गई तो पूरा जिस्म जहन्नम से बच जाएगा। आमीन सुम आमीन। नान भाई, मेरे सवाल का जवाब तलाश कर रही हूँ। देखिए, परवरदिगार आलम ने सबसे पहले हदीस नबी के जरिए से है, लेकिन नबी की ज़बान अल्लाह की ज़बान है। वाह। यानी गोया ये हुक्म इलाही है कि मजदूर की उजरत उसका पसीना खुश होने से पहले अदा कर दूँ। क्या अल्लाह खुद इस पर अमल करता है? तो हम देखते हैं कि अल्लाह सबसे पहले अल्लाह ही इस पर अमल करता है। सुभान अल्लाह। और किस तरह से अमल करता है? वही कहता है कि मेरे बंदो याद रखो, मैंने तुम्हारे रिस्क का वादा किया है और इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, मैं तुम्हें रिस्क हर हालत में तुम्हारे मुकद्दर का रोज़ाना तुम्हें मैं दूंगा। सुभान अल्लाह। शर्त है तरीक़ेकार की, शर्त है वक्त की अहमियत की। ठीक है, उसकी दलील क्या है वक्त की अहमियत? तो शर्त क्या है? जैसे सूरतुल क़द्र हम पढ़ते हैं, हे या हत्ता मतलाइल फज, फज्र से निस्बत क्यों दी है? इख्तिताम शब कद्र का फज्र पर हो रहा है और फज्र तक फरिश्ते नाजिल होते रहते हैं। ठीक, फज्र की निस्बत शब कद्र के साथ क्या है? ये जो फज्र का वक्त होता है,
ये ज़िंदगी के सारे औकात में सारी साआतों में सबसे बेहतरीन साआत होती है। कभी देखिए कि आज तक कभी कोई कोंपल दिन में फूटी है, कोई फूल दिन में खिलता है, सारी कोंपले सारे फूल सारी शाखें जितनी भी हैं सब सब्जा सुबह में जाग रहा होता है। तो उस परवरदिगार आलम ने जिन औकात को मुअय्यन किया है वो परवरदिगार कहता है खुदा का भी जो निज़ाम रिस्क है वो निज़ाम रिस्क सुबह सादिक से लेकर और सूरज तुलू होने तक वहाँ का अकाउंट सेक्शन खुला हुआ होता है। वो जो वहाँ के डिपार्टमेंट खुदा के डिपार्टमेंट में जो लोग रिस्क तकसीम करने वाले हैं ना फरिश्ते खुदा की तरफ से, वो मुंतज़िर होते हैं कि आज जो अल्लाह के बंदे ने सारे दिन मेहनत कर रही है ना खुदा को राज़ी करने के लिए, उस अपने खुदा की रज़ा की खातिर जायज़ तरीक़ों से अपने रिस्क को हासिल करने के लिए इसने मेहनत करनी है, खुदा का शुक्र अदा करना है। तो अल्लाह ये कह रहा है कि मैं तुझे उजरत एडवांस दे रहा हूँ। सुबह का वक्त वो वक्त है कि जब मेरी तरफ से तेरे आज का दिन रिस्क तकसीम किया जा रहा है और तू रिस्क लेना चाहता है तो इस वक्त को ज़ाया मत कर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अबू हमज़ा समाली से जो उनके सहाबी थे यही कहा था कि या अबा हमज़ा समाली इन्नी उकरहुका कि मुझे इस बात से कराहत आती है कि तू नमाज फज्र, वो नमाज फज्र छोड़ते नहीं थे, नमाज फज्र के बाद अक्सर उनकी सोने की आदत थी, कहा कि मुझे इससे कराहत आती है कि तू नमाज फज्र पढ़ने के बाद सो जाते हो, हालांकि नमाज फज्र के बाद यही वो वक्त होता है जब अल्लाह के खजाने खुले हुए होते हैं और अल्लाह उजरा देने के लिए आमादा होता है कि आज का रिस्क मुझसे ले लो, जो वक्त रिस्क मिलने का है उस वक्त तुम सो रहे हो। इसी तरीके से हर इंसान ये एक पहली मिसाल रही, इसलिए हुक्म दिया गया हर इंसान को कि जो किसी से मेहनत ले रहा है किसी से उसकी मशक्क़त ले रहा है क्योंकि मशक्क़त कर रहा है किसी उम्मीद की बुनियाद पर। ये मेरा सवाल था किसी उम्मीद की बुनियाद पर चंद घंटों के बाद, तो ऐसा ना हो कि जब वो वक्त पूरा हो रहा है और वो कुछ आसरा या उम्मीद लगाए बैठा हुआ है उसके पीछे पूरे अहलो अयाल होंगे नहीं मालूम कौन कौन सी ज़रूरतें होंगी, ऐसा ना हो कि जब वो वक्त आए कि उसने अपनी मेहनत तमाम कर दी और जो उसकी उम्मीद का वक्त था तुम उसकी उम्मीद को वक्त को नाउम्मीदी में ना तब्दील करो, ये ना तुम्हारे हबीब को हबीब खुदा को पसंद है ना अल्लाह को पसंद है। अजन हजरात वक्त पे जाने से पहले मैं रहमानी भाई से और सवाल करती हुई जाऊंगी और इस सवाल का जवाब मैं इस वक्त के बाद उनसे लेती हूँ। समन भाई उस पॉइंट पर ले आए इस कॉन्वर्जेशन को जिस पर मैं लेकर आना चाहती थी रहमानी भाई, वो जो मजदूरी कर रहा है ना या कर रही है औरत या मर जो भी, वो जो गरीब काम कर रहा है ना वो किसी उम्मीद से कर रहा है, उस उम्मीद से कर रहा है कि मेरे पीछे मेरा घर है ना, पीछे मेरे घर मेरे साथ पेट लगे हैं बहुत सारे, उस उम्मीद से लगा हुआ है। और हमें मालूम है कि किसी के साथ ज्यादती और जुल्म करने से रब ताला आपसे खुश नहीं होगा, और जब रब ताला आपसे नाराज हो और कोई गुनाह उसका 70 गुना ज्यादा गुनाह मिले आपको क्योंकि ये रमजान का महीना है तो क्या होगा। सफ़े के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ। इख्तलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ 18। तजुर्बा भी सोच विचार भी जहां लाजिम हो वहां तकरार भी अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर होती है गहरी सोच विचार होता है फिर गहरा तज्जिया
यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायत खून चुका हूं, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं, वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाई हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्ज़ा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्ज़ा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है? जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तो मेरा नाम
शबाज शरीफ भाई वेरी फनी। जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में, पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया, यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में बड़े करम की है।
शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कयामत कब आएगी, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी क्या तैयारी है तुम्हारी जो कयामत के लिए सवाल किया है। मफहूमन अर्ज कर रही हूँ, तो उन सहाबी ने या जो शख्स थे उन्होंने कहा कि कोई ऐसी ख़ास तैयारी तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बहुत करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मोहब्बत ही तुम्हें जन्नत में ले जाएगी, क्योंकि एक और हदीस का एक और उसका मफहूम यह है कि जो दुनिया में जिससे इंस्पायर होगा, जो दुनिया में जिसको फॉलो करता होगा, जिससे मोहब्बत करता होगा, वो आखिरत में उसी के साथ उठाया जाएगा। कि मैं बुरों से लाख बुरा मगर उन से मेरा सस्ता, मेरी लाज रहना मेरे खुदा सबकी लाज रहना मेरे सबको मुबारक। आप देख रहे हैं रमजान इश्क है नशरियात 24 न्यूज़ पर। वक्फे पे जाने से पहले ख्वातीन हज़रात, मैं अपने उलमा कराम से आप लोगों की कॉल्स भी हम लेंगे बाद, और इंशाल्लाह इस सेगमेंट के बाद जो हमारा अगला सेगमेंट आ रहा है उसमें हमारे साथ कुछ बहनें हमारे साथ शामिल होंगी, जिसमें ज्वेलरी डिज़ाइनर्स भी हैं, जिसमें कपड़ों के डिज़ाइनर्स भी हैं, और जिसमें जो है वो बैग्स एक्सेसरीज़ की डिज़ाइनर्स भी हैं इंशाल्लाह। क्योंकि ईद की गहमा गहमी है, ये खुशियाँ परवरदिगार जो है वो बरकरार रखे। सबसे दुआ के साथ कि जितने मुझे अभी पता चला टीम का कि जी वो क्वेटा में ब्लास्ट हुआ है आज, और काफ़ी लोग शहीद हो गए आज के दिन, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। देखिए समझ से बाहर हो जाता है जब सिचुएशन आती है, तो समझ नहीं आता कौन से अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल किया जाए, सिवाय इसके कि रब ताला सबको अपने हिफ्ज़ोमान में रखे। आज जुमतुल वदा है और आज के दिन ऐसा हुआ, बड़ा ही इस वक्त तकलीफ हो रही है मुझे, लेकिन मौजू की तरफ वापस आना इसलिए ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे, रहमानी भाई आपके जवाब के बाद फिर मैं आप लोगों से ज़्यादा चाहूँगी। मुझे वहाँ ही से सिलसिला जोड़ती हूँ जहाँ से मुनक़ता हुआ था, जहाँ जामिन भाई ने फरमाया, पाल भाई ने फरमाया कि एक मेहनत कश, एक हलाल रिस्क कमाने वाला, उसकी कदर आका ने कैसे की, और फिर वो कमाने वाला जो कमाता है वो किस उम्मीद पर मेहनत करता है, किस किस आँखों में उसके क्या क्या प्लानिंग्स होती हैं अपने
और अपनों के लिए और उसके साथ अगर किसी भी हवाले से ज्यादती हो, उसके रोटी रिस्क के हवाले से, उसकी आमदनी के हवाले से, तो फिर क्या? एक कमाने वाले की शान तो ये कि अल्लाह के हबीब ऊंचा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो अल्लाह का दोस्त है जो अपने हाथों से कमाता है। अब जहाँ जिस नुक्ते पे आप लेके आई थी कि वो जो कमा रहा है पूरे घर वाले उससे उम्मीद लगा के बैठे हैं। मैं एक वो वाकया बयान करना चाहता हूँ कि मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे जाता हूँ जी, तो एक साहब ने मुझे आके बताया कि मुफ्ती साहब हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, उनमें से एक ऐसा है कि जो अपने घर एक हफ्ते से नहीं जा। मैंने क्यों नहीं जा, कोई मसला है? कह रहे हैं कि हजरत एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैंने क्या? कह रहे हैं कभी मौका मिले तो इस पर बात कीजिएगा। मैंने क्या बात तो बताओ। कहा वो 7 दिन पहले जब अपने घर से आ रहा था तो उसका 5-6 साल का बच्चे ने उसकी उंगली पकड़ी छोटी, कहा बाबा सबके कपड़े आ गए हमारे कब आएंगे? तो वो वादा करके आया था कि मैं जब अब घर आऊंगा तो बेटा तुझे अपने साथ लेके मार्केट लेके जाऊंगा। 7 दिन हो चुके हैं और 7 दिन से वो इसलिए नहीं जा रहा कि वो अपने बेटे को क्या शक्ल दिखाएगा। इस बेटे से ये वादा करके आया था कि मैं उसे नए कपड़े दिलाऊंगा। इस छोटे जो बेचारे मिडिल क्लास के लोग हैं और उससे जो लोग हैं पूरा खानदान तबका है, घर का राशन का मसला है, माँ की दवा का मसला है, बीवी बीमार है उसका मसला है, छोटे बच्चों की ख्वाहिशात, एक अकेला कमाने वाला। याद रखिएगा कुरान में 2 लोगों का जिक्र है, एक से अल्लाह मोहब्बत करता है और एक को अल्लाह सख्त नापसंद फरमाता है। मैं मिसाल के जरिए समझाऊंगा। आपने एक मजदूर को हायर किया, ठीक है कि रात में शाम में काम खत्म हो जाएगा तो मुझे मैं तुम्हें 100 रुपये मजदूरी दूंगा। शाम खत्म हुई, जैसे काम खत्म हुआ आपने उसको 120, ये एहसान है, इसको अल्लाह के रसूल ने पसंद फरमाया। 100 दे दिए, इसको भी अल्लाह ने पसंद फरमाया, अदल बात ही। अगर आपने उसको 80 भी दिए तो ये जुल्म है, और अगर आपने ना दिए तो अल्लाह सुबहानहू व तआला कि आप उसमें आ गए कि जिस पे अल्लाह सुबहानहू व तआला गजबनाक होता है। जिनको अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर देता है वो लोग जो मजदूरों का पैसा दबाते हैं, वो किसी भी महकमे के लोग हों, वो किसी भी आला अफसरान हो, वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लानत के मुस्तहिक हो जाते हैं। शबे कदर में उन लोगों को अल्लाह नहीं उनकी कदर नहीं करता, उनको नहीं नवाजता कि जो मजदूरों का पैसा दबाते हैं। याद रखिएगा अभी भी वो रातें हैं, आखिरी ताक रात मौजूद है, अभी भी बख्शिश का दरवाजा बंद नहीं हुआ। उद्कु मिनन नार, जहन्नुम से आजादी का अशरा अभी भी मौजूद है। तुम चाहते हो कि जहन्नुम से आजाद हो जाओ, तुम चाहते हो कि अल्लाह के करीब हो जाओ, मुस्तफा के करीब हो जाओ, असहाब रसूल अहले बैत अतहार के करीब हो जाओ, तो जिनको हक देना है दे दो। खुदा की कसम तुम हक दोगे, तुम्हारी जिंदगी में भी सुकून होगा, तुम्हारे इदारे में भी सुकून होगा, और अल्लाह की रहमतें अल्लाह की बरकतें तुम्हारे शामिल हाल हो जाएंगी। और अगर तुमने ना दिया तो यहां तो मामला होगा, और वहां तुम्हें हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हल्की सी किसी की जमीन दबाता है 7 तोक जमीन के 7ों जमीन उससे गले के अंदर डाली जाएंगी, 7ों जमीन। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, और जिन लोगों ने अभी तक मजदूरों का हक अदा नहीं किया वो दे दें इससे पहले कि उस खालिक के पास चले जहाँ उसको पूरी जिंदगी का साथ देना होगा। अल्लाह पाक रहम फरमा दे और हमें उस जालिमों की फहरिस्त में कभी ना रखे अल्लाह पाक, कि हम कभी किसी मजदूर की उसकी मजदूरी दबा कर रखें, उसका हक मार कर रखें। अल्लाह पाक आसानी फरमाए सबके लिए। आप लोगों के आने का, आप लोगों की प्लीज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए इसमें एक चीज कहता चलूँ, आखिर एक मिनट है, आप जो बोलिए जी। जी, जी जी कि अगर ये फलसफा पसंद जाए ना उजरत देने का, तो कोई ताखीर ना करे, कभी भी ताखीर ना करे, ठीक है। अल्लाह ज़कात लेता है, सदक़ात लेता है, खुद से निकलवाता है, किसी निकलवाता है, वो चाहता है कि तुम्हारे माल में इजाफा हो जाए। हम जब ज़कात निकालते हैं तो अल्लाह उसके बदले इजाफा कर देता है, खुद से निकालते हैं तो इजाफा कर देता है, सदक़ात देते हैं तो इजाफा कर देता है। जब एक मालिक अपने मजदूर की तनख्वाह या उसकी उजरत देता है तो खुदा चाहता है कि वक्त पर अदा कर दो ताकि मैं तेरे रिस्क में इजाफा कर दूँ, क्योंकि मैं हूँ राज़िक़े हक़ीक़ी, तू है राज़िक़े मजाज़ी। सुभान अल्लाह, अपनी सिफत को पहचान ले बस तू, इसलिए कि मैं तेरे ज़रिए से अपने बंदों में रिसक्सीम कर रहा हूँ, तो अपने बंदों में रिसक्सीम अपने मुलाज़िमों तक रिसक्सीम करेगा, मैं तेरे इसमें मज़ीद इजाफा कर दूंगा, इसलिए तूने इनका ख्याल रखा है, मेरे बंदों का ख्याल रखा है, मैं तेरा ख्याल रखूँगा। यानी कि मालिक को अब मजदूर के नसीब से मिल रहा है, कितनी बड़ी बात है वाकई में। अल्लाह ताला ज़ालिम, अल्लाह मज़लूम को पसंद करता है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़लूम की मदद करता है, तो जो मजदूरी करने वाला है वो गरीब है, वो मुतवस्सित तबके का आदमी है, वो अपने बीवी बच्चों के लिए कमा रहा है, और हम ये जम्हूरिया पाकिस्तान में रहते हैं बहैसियत मुसलमान कौम, हमें ये चाहिए हम वक्त से पहले मजदूर की मजदूरी दें ताकि वो भी हमारे साथ अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के ईद की खुशियां करे और जो सामान लाना है वो लाए, तो ये करना होगा उसको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कियामत के दिन जिसको कोई हक नहीं मिलेगा तो मैं मोहम्मद उसके साथ खड़ा होऊंगा, उसका हक उसको दिलवाऊंगा। सामिन भाई आपकी शिरकत का बहुत शुक्रिया, अलवल भाई आपके आने का बहुत शुक्रिया, रमन भाई आपका बहुत शुक्रिया। मेरी बस दुआ ये है कि इस बार जहाँ भी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी जो जो ऐसे ऐसे हमारे मजदूर तबके, हमारे ऐसे मजदूर भाई और बहनें, अगर उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई तनख्वाह कोई चीज़ कोई कोई भी उनका हक रह गया है तो आप अदा कर दीजिए, आपकी ईद दोबाला हो जाएगी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब किसी के सच्चे दिल से सच्ची दुआ निकलती है तो वो सीधी अर्श पर सुनी जाती है। जज़ाकअल्लाह खैर, इस वक्फ़े के बाद हाजिर होते हैं आप लोगों की शुक्रिया आने का शुक्रिया। इख्तलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HT। तजुर्बा भी सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में, पेश होती है बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया, यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम आवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं, तकरार की तलखी में बात बनती नहीं बिगड़ती है, लेकिन हम तलखी से नहीं मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे लेकिन सबूत की रोशनी, हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते
कहते रहे जुनून की हिकायत खून चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुबा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक 55 बिलियन डॉलर पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं, वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गईं। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है? जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दमाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भर। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। जगह का नाम है बचल कोट। जी बचल कोट, बोल्ड बचल वाली बात नहीं है ये, क्योंकि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं वो तो आपको पता है, लेकिन यहाँ मैं असद से मिलने आई हूँ और असद क्या करते हैं तो चले उनसे चल के बात करते हैं। ये है असद का घर, हम जाके असद से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप असद हो? असद में अंदर आ जाओ। चले जी असद हमारे सामने है, उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। पहले मैं चाहूंगी आप अपनी फैमिली को बुला लीजिए। भाई बहनों, भाई और बहनों ही, बहन बहनों के बस। अच्छा जी आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अब तो भाई रमजान खत्म होने वाला, ईद आने वाली है, ईद की तैयारी हो गई? हाँ बस चल रही है। क्या करती हो? मैं घर में सिलाई करती हूँ। सिलाई करती हो? सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट हैम्पर देना चाहूंगी अजवा की तरफ से। बहुत शुक्रिया। खाने पकाए जरा अजवा में, खुशबू ज्यादा अच्छी आएगी, खाना ज्यादा अच्छा बनेगा। आप आएंगी खाने?
आऊंगी, बुलाओगी जी। अच्छा, साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अल वफा की तरफ से उम्रे का पैकेज भी हम लोग देंगे। जो लकी विनर होगा, जो जिसका नाम निकलेगा, उसको उम्रे का टिकट अल वफा वाले देंगे। ये भी साथ साथ कुरानदाजी होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस वक्त जो है वो है यूनिक बाइक वालों की बाइक, जो हम लोगों ने लोगों के घर जाके जो वसीला था यूनिक वाले थे, और साथ साथ 24HD था यूनिक बाइक का। हमेशा ये कहना होता है कि यूनिक और आप हमेशा का साथ। पूरा महीना मैंने आपको यही बताया है कि यूनिक यूनिक यूनिक, लेकिन थैंक्स इसलिए कहती हूँ कि बहुत से लोगों के चेहरों पर खुशियाँ आई। लेकिन असद, मैं पूछूंगी आप क्या करते हो, क्योंकि लोगों को अब तक नहीं पता कि आप क्या करते हो। मैं मैकेनिकल काम करता हूँ, अलाइनमेंट का। अच्छा, अलाइनमेंट का काम करते हो। मतलब कितनी दूर जाते हो यहाँ से? यहाँ से बलोचपुर। तो कैसे जाते हो? बस से। बस से? कितनी बसें चेंज करनी पड़ती हैं? यहाँ से तो पहले रक्षे में जाता हूँ, फिर वहाँ से दो बसें चेंज करनी। अरे, रक्षे में जाते हो, फिर तुम्हें बचता क्या होगा? कितना कमा लेते हो? मैं 400-500। इस वक्त हम असद और आपकी फैमिली को यूनिक बाइक की तरफ से बाइक देना चाहते हैं। असद, ये आप पकड़ें और आइंदा से आप ख्वारियों से बचें, बाइक पे जाएं। आपको बहुत मुबारक हो, कुछ कहना चाहेंगे? बस बहुत शुक्रिया। गांव से आए यहाँ पर ना, यहाँ पे फैमिली भी नहीं है मेरे पास, रहते हैं। अच्छा, आपके पास रहते हैं? जी, घर वाले सारे गाँव में। गाँव में कहाँ से हो आप? लाड़काना से। छोटा सा है, लाड़काना से आया है और यहाँ कमा रहा है। खैर, अल्लाह में आप लोगों की ईद बहुत अच्छी करे, और ईद आने वाली है। बस यही हमारा एक कहते ना कोशिश होती है कि हम लोगों तक पहुँचे जिनको ये चीज़ चाहिए। तो थैंक यू सो मच। और साथ साथ ये कहूँगी भाई जी, आप तक हम फिर आ रहे हैं आप स्टूडियो में, और यहाँ से तो अब फिलहाल मैं जा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको मैं कह दूं कि आप लोग इस वक्त इस सेगमेंट को, तो इससे पहले के सेगमेंट में तो बहुत ही खैर उलमाग्राम से तो मुझे बहुत ही मजा आता है, इतना कुछ सीखने को मिलता है, इतने सारे सवाल आते हैं जहन में। जाहिर है हम इल्म के ताले में, हमें तो नहीं पता क्या चीज़ें किस जाविये से, दीन क्या कह रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है, हज़रत अली ने क्या फरमाया, इस तमाम सिचुएशंस को समझने में उलमाग्राम हमारी मदद करते हैं। और जिंदगी में जब आपका सोल अच्छा हो जाता है तो चेहरे पे वैसी रौनक आ जाती है। लेकिन चेहरे पे रौनक आती है तो फिर आप कहते हैं अच्छा, जब अल्लाह पाक ने अच्छी शक्ल दे ही दी है, उसमें थोड़ी सी नूरानियत भी आ गई है, तो हम अच्छे कपड़े भी पहन लें, हम अच्छे सलोन में भी चले जाएं, हम अच्छे अच्छे बाल भी कटा लें, अच्छे अच्छे कलर भी करवाएं बालों पे, और अच्छी ज्वेलरी भी हम पहने, और कहीं जाएं तो अल्लाह बैग क्या लेकर फिर रही है लड़की, ये बड़ा नज़र होता है। और तमाम चीज़ों से गुजरती है मेरी बहनों, मेरा ही। लेकिन आज हमारी खास मेहमान हमारे साथ तशरीफ लाई हैं, और मैं इन लोगों से कहूंगी कि एक से दो दिन की और बात रह गई है, ईद की हो गई है तैयारियां शुरू, तो इन लोगों का साथ अगर ये कुछ दिन मेरे साथ रहे, मेरा ऐप भी तो बंद कर दो, अगर इन लोगों का साथ मेरे साथ रहा, इस ट्रांसमिशन में रहा, इसके लिए मैं अपनी कलीग सुमेरा की बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने पूरी इस टीम को आज तैयार करके सबके सामने आप लोगों की बहुत मोहब्बतों के साथ। जूरी सलोन से फरजाना मिर्जा हमारे साथ हैं, अनीसा अनस है यू एंड आई ज्वेलरी डिजाइनर माशाल्लाह से, अनीसा यूनुस, और रुबीना कौसर जेड मार्स डिजाइनर्स बैग एंड क्लचेस की तरफ से, और आवेज अली ड्रेस डिजाइनर। और इन सबको मैं कहना चाहूंगी बहुत मोहब्बतों के साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई कैसी हो? हमारा माइक कहाँ है? मैं ठीक हूँ पड़ोसन, तुम कैसी हो? आज तो बड़ी खिली खिली लग रही है, राज की बात है। तो डिजाइनर्स आ गए, आज की रौनक है सबकी, आप लोग चेहरा खिल गया, खिल गया, ज्वेलरी मेकअप सब मिल जाएगा, मतलब कोई इतनी जल्दी तैयार नहीं। ये शेफ मदीहा हमारी जो लाडली बेगम, ये हमारे खाने बना रही है पहले रमजान से, ठीक है? आज तो उछल उछल के आप ही। अच्छा, मैंने कहा तमाम, मैं समझी सर आप ही अच्छी लग रही है ना, आज आप ही की मोहब्बत में सारा लाड आ रहा होगा। नहीं, आप लोगों ने जो रौनक लगाई है ना, ये सारी उसकी रौनक है, जिसके लिए मैं आप लोगों को कहूंगी जजाकल्ला खैर। सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, आने के लिए बहुत शुक्रिया। इस वक्त बहुत गहमा गहमी है, मैं जानती हूँ, बहुत मसरूफियात है, मैं जानती हूँ, मोहब्बतों का और इस फुलूस के लिए मेरे पास कोई जवाब है ही नहीं। जजाकल्ला खैर। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कपड़ों के हवाले से, रुबीना जी, अब आप रुबीना, रुबीना आप मुझे बताएं, नहीं आवेज ना, या रुबीना फरजाना कपड़े नहीं, हाँ आप आवेज, या भी कपड़े किसके यहाँ पर, ये आपके है ना, अरे जबरदस्त, थोड़ा सा माइक करीब कीजिए, आवेज की आवाज आ रही है, चेक करवाई,
हाँ हाँ हेलो, कैसी है आवाज जी? खैरियत से आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आवाज, क्लियर आ रही है, नेटवर्क सही चल रहा है। अच्छा, ब्लू भी है, पीच भी नेटवर्क है, मरून दुल्हन भी नेटवर्क चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे कलर्स आए हैं। अभी ईद की गहमा गहमी भी है, साथ साथ शादियां भी होने वाली हैं। रम यहाँ ईद हुई नहीं, वहाँ शादियां शुरू, शादियां शुरू हो जाती हैं, फौरन शुरू हो जाती है। ऐसा ही होता है कि यहाँ ईद खत्म नहीं होती, वहाँ शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ऑर्डर्स आप लोग डिजाइनर्स जो है ना, बहुत ज्यादा कभी कभी मुझे लगता है बहुत अनरीजनेबल होता है। एक साल पहले ऑर्डर देने में किसी को पता ही नहीं एक साल बाद कहाँ होंगे सब लोग, लेकिन आई थिंक कुछ रीजनेबल भी, जैसे कि आप लोग हैं कि टाइम को समझते हैं कि हाँ यार इतना टाइम इतना रीजनेबल है और इतना रीजनेबल नहीं है। बिल्कुल, क्या गहमा गहमी है आजकल? आजकल तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अच्छा। आपको पता है, क्योंकि एक तो लोगों को ज़्यादा ये है कि ईद के फौरन बाद शादी, शादियाँ, वेडिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है। हाँ। अब वो लोगों ने ईद से पहले ही ऑर्डर दे दिए, कि मतलब तो काम करना पड़ेगा। अब वो ईद ना कर दें, फिर आगे वेडिंग सीजन आप उसका भी करके दें, तो आप बस ऐसे ही चल रहा है आजकल, बड़ा बिजी बिजी चल रहा है। अच्छा, इस वक्त क्या चीज बहुत ज्यादा इन है, शॉर्ट शर्ट्स, लॉन्ग शर्ट्स? माया, आप ही सीरियसली बात वही है कि अब जैसे आपने लॉन्ग पहना हुआ है, आप पे अच्छा लग रहा है, ये इन है, अच्छा लग रहा है मुझे, किसी ने तारीफ ही नहीं की आज मेरी, थैंक यू ऑलवेज। अब ये कलर अच्छा लग रहा है, ये आप पे इन हो गया, अच्छा लग रहा है, ठीक है, ठीक है, इन अच्छा लग रहा है तो इन हो गया। नहीं, बात ये नहीं है, बात अपने बॉडी के हिसाब से होता है, ठीक है। अब बात ये कि बात शॉर्ट पहन लेती हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता। थैंक गॉड फॉर सेइंग दैट, कि किसी ने ये मेरे सामने बोला कि हर चीज हर एक पर सूट नहीं करती। अब वो फैशन कैरी कर लेंगी, वो चाहे सूट ना कर रहा हो। इतनी प्यारी बात की हो आपने कि मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, गार्डन हो गया ये बात सुनके। नहीं सीरियसली, बिल्कुल फैक्ट बात है। अब आप माशाल्लाह आपने ये पहना हुआ है तो कोई ये नहीं कहेगा, बेशक ये फैशन में ना हो या कुछ, लेकिन अच्छा लग रहा है, पहना हुआ अच्छा लग रहा है। मैं ऐसी ही हूँ थोड़ी सी, मैं चीजें देखकर कभी मैंने कभी फॉलो नहीं किया, नहीं, और बहुत सूट कर रहे, तो इसी तरह मैं यही कहती हूँ कि आप शॉर्ट वो पहने जिन पे शॉर्ट सूट करता है, लॉन्ग वो पहने जिन पे लॉन्ग सूट करता है। अब आप पर क्या सूट करता है, यहाँ आवाम में बहने बेटियां बच्चियां कुछ पूछना चाहती है। कॉलिंग नंबर ऑन स्क्रीन है, आवेश के बाद हम ज्वेलरी, बैग्स, सैलून, ब्यूटी प्लानिंग, सब कुछ सब पे बात करेंगे, और आप लोगों के लिए खास तहफ भी है इंशाल्लाह। इस वक्त के बाद हमारे साथ रहिए।